नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। रीट शिक्षक भर्ती 2018 के अंदर लेवल प्रथम की नियुक्ति जो कोर्ट के अंदर निर्माणाधीन है उसके संबंध में, और अपने इस वीडियो में और बात करेंगे कि रीट लेवल प्रथम की जो द्वितीय वरीयता सूची है इसकी मांग को लेकर निदेशालय के समक्ष धरने पर बैठे लोग हैं, उनसे निदेशालय के समक्ष क्या कुछ मांग रखी है और क्या कुछ उनसे वार्तालाप हुई, इस वीडियो में अपने पूरी चर्चा करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए, और आप इस RS स्टडी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये बड़ी खबर। रीट 2018 प्रथम लेवल की नियुक्ति कोर्ट के निर्माणाधीन, पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क की खबर है। अब अपने खबर को और विस्तार से पढ़ते हैं, इसमें क्या कहा गया है कि बीकानेर से रीट 2018 परीक्षा में चयनित प्रथम लेवल के 26,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति तथा द्वितीय वरीयता सूची जारी करने की मांग को लेकर निदेशालय के समक्ष धरने पर बैठे प्रदेश के चयनित शिक्षकों का शिष्टमंडल को गुरुवार को निदेशक से मिला। निदेशक ने उन्होंने मामले की कानूनी स्थिति से अवगत करवाया कि लेवल प्रथम की नियुक्ति का प्रकरण उच्च न्यायालय में निर्माणाधीन है, जहाँ से नियुक्ति पहले से स्थगित आदेश है। जब नियुक्ति ही न्यायालय के विचाराधीन है तो द्वितीय वरीयता सूची कैसे जारी हो सकती है। आगे है, निदेशक ने बताया कि मामले में 3 बार शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि बातचीत के लिए आए, उन्हें यही स्थिति बताई गई। धरनार्थियों का शिष्टमंडल भी 3 बार वार्ता कर चुका है। वार्ता के बाद राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि यह बात सही है कि मामला न्यायालय के निर्माणाधीन है, फिर भी निदेशालय हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाकर निर्णय का आग्रह कर सकता है। अब आचार संहिता लगने वाली है, ऐसे में उसकी नियुक्ति का मामला लंबित हो जाएगा। तो दोस्तों, रीट लेवल प्रथम के अंदर यानी दूसरी वरीयता सूची जारी करने और 26,000 पदों पर जो शिक्षक है और नियुक्ति के मामले के अंदर जो धरना है वो जारी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ लेटेस्ट अपडेट रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल प्रथम के अंदर। तो दोस्तों, और आगे की न्यूज़ अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।